हो सकता है अब तक विरजा को गजमुख का वध करने का अवसर ही ना मिला हो। उस दुष्ट गजमुख का वध करने के लिए अवसर की क्या आवश्यकता है? दैत्य माता दीति को अपमानित करने वाले गजमुख का वध तो उसे जाते ही कर देना चाहिए था। मैंने तुम जैसे मूर्ख और अयोग्य असुर आज से पहले कभी नहीं देखे। यदि तुम दोनों मेरी बात का उत्तर नहीं दे सकते तो जाओ, पाताल लोक लौट जाओ। मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, चले जाओ यहाँ से। हमें पाताल लोक लौट जाने का आदेश ना दे दैत्य माता। आदेश दिया जा चुका है, तुम दोनों हमारी सेवा के योग्य नहीं हो। दैत्य माता, हमारी आसुरी शक्ति को इस प्रकार अपमानित ना करें। यदि हमारे स्वामी असुरराज देवांतक और निरांतक को हमारी असफलता का ज्ञान हो गया तो वे हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तुम जैसे दुष्टों और बुद्धिहीनों पर मृत्यु ही भली लगेगी। तुम दोनों यमराज का निवाला बनने योग्य ही हो। दैत्य माता, आप हमें मृत्यु दंड ही दिलवाना चाहती हैं ना? हाँ। तो आप स्वयं अपने हाथों से हमारा वध कर डालें, किंतु हमें पाताल जाकर मरने के लिए ना कहें। तुम दोनों की कोई अंतिम इच्छा है? दैत्य माता दीति के हाथों मरना हमारा सौभाग्य है। हमारी कोई अंतिम इच्छा नहीं है दैत्य माता, परंतु क्या? राजनीति कहती है दैत्य माता, संकट के समय अपनी शक्ति को कम नहीं करना चाहिए। अर्थात? दैत्य माता, हमें वीरजा की सफलता पर पूर्ण विश्वास है। वो गजमुख गणेश का वध करके ही लौटेंगी, परंतु यदि वो असफल होंगी तो हम एक प्रयास कर सकते हैं। हमारी अंतिम इच्छा यही है दैत्य माता कि हम आपके काम आ सके, हमारे प्राण आपको प्रसन्न कर सके। महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम पितृ देवाय नमः। ओम मातृ देवाय नमः। आयुष्मान भव पुत्र। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी, तुझे अपना आहार बना के ही रहूंगी। नहीं नहीं, छोड़ दो मेरे पुत्र को। तुम यहाँ साध्वी बनकर आई थी, क्यों हमारा मंगल करना चाहती हो? लौट जाओ यहाँ से। लौट जा दुष्टा, अन्यथा स्वयं तुम्हारे जीवन का अंत हो जाएगा। तुम्हें ज्ञान नहीं मोहत कर श्री गणेश की शक्ति का। मैं कहता हूँ यहाँ से लौट जा तू। लौट जाऊं? लो लौट जाती हूँ। देवी अदिति, तुम ठीक तो हो? मेरी चिंता ना करें ऋषिवर, मेरे पुत्र मोहत कर की रक्षा करें। ऋषिवर मेरे पुत्र मोहत कर की रक्षा करें।
माँ देवी दीदी आओ। पुत्र मोहतकट, पुत्र मोहतकट, मोहतकट, मेरे पुत्र को छोड़ दो, मेरे पुत्र को छोड़ दो। अवश्य छोड़ दूंगी, परंतु इसके प्राण निकालने के पश्चात। नहीं, नहीं, नहीं। महागणेश हमारे पुत्र की रक्षा करें, महागणेश हमारे पुत्र की रक्षा करें। श्रीमन नारायण 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 गं 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 गं। हे परमदेव श्री महागणेश, दिति का प्रतिशोध इस सीमा तक पहुंच जाएगा, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। नारायण नारायण। जागो, उठो, जागो, देखो। जागो, देखो, मैं तुम्हारे लिए ये स्वादिष्ट भोजन लाई हूँ और इस स्वादिष्ट आहार का आनंद लो। हे परमदेव श्री महागणेश, हे परमदेव श्री महागणेश, महोत्कट श्री गणेश की रक्षा करें। कहाँ गया? कहाँ गया? ढूंढो उसे। तुम्हारा आहार यहाँ है मूर्खो। Oh!
भयानक राक्षसी शक्ति की प्रतीक विरजा, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? क्या उसी दुष्ट गजमुख ने तुम्हें प्राणहीन कर दिया जिसने दैत्य माता को अपमानित किया था? दैत्य माता, वो बालक बहुत ही शक्तिशाली, मायावी और चमत्कारी है। जो भी उससे टकराएगा उसकी यही दुर्दशा होगी। दुष्ट, कायर, मूर्ख, विरजा की मृत्यु पर शोक मनाने के बदले तुम हमारे शत्रु का गुणगान कर रहे हो। दैत्य माता, मैं तो सत्य कह रहा था। हाँ, तुम दोनों अब जीवित रहने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम दोनों गणेश से भयभीत हो गए हो। मेरे आदेश पर भी अब तुम दोनों उससे प्रतिशोध लेने का साहस नहीं जुटा पाओगे। आप सत्य कह रही हैं दैत्य माता। शक्तिशाली गणेश के हाथों मरने से तो उचित है कि आप ही हम दोनों को यमलोक पहुंचा दे। तुम दोनों बार बार मेरे हाथ से जीवित बच रहे हो, जानते हो इसका कारण क्या है? इसका कारण है तुम्हारे स्वामी देवांतक और नरांतक पर मेरा विश्वास। अर्थात दैत्य माता, देवांतक और नरांतक ने एक बार मेरी इच्छा के सम्मुख संसार में प्रलय मचा दी थी। दैत्य शक्ति का ध्वज विजय के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा दिया था। यही कारण है कि मैं तुम दोनों को बार बार क्षमा करती हूँ। आप धन्य है दैत्य माता, आपकी जय हो। आपकी जय हो दैत्य माता। मौत को लेकर इतना अधिक चिंतित न हो, वो तो साक्षात परम देव श्री महागणेश के अवतार है। एक विरजा क्या, अनेक विरजा मिलकर भी उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। देवी, मेरा गणेश अभी बालक है स्वामी, उसे तो ये भी नहीं पता कि अपनी शक्ति का प्रयोग शत्रु पर कैसे किया जाता है। वो अवश्य ही संकट में फंस गया होगा। वो तो संकटों का अंत करने वाले हैं देवी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले गणों के ईश्वर हैं। उनकी शक्ति पर विश्वास रखें। परम देव श्री महागणेश हमारे आराध्य हैं, वो कभी भी हमारा मंगल नहीं होने देंगे। देवी अदिति, कभी नहीं। देवी शांत हो जाइए, देवी अदिति शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाए स्वामी, जब तक मेरा महत्कट लौट कर नहीं आता मैं शांत नहीं रह सकती। देवी अदिति, क्या आपको परम देव श्री महागणेश की कृपा पर विश्वास नहीं रहा? पूर्ण विश्वास है स्वामी, परंतु महत्कट की माँ को कैसे विश्वास दिलवाऊं? माँ का हृदय तो अपने पुत्र की कुशलता के लिए आस्था और विश्वास की हर सीमा से परे होता है। नारायण नारायण। प्रणाम ऋषि कश्यप। प्रणाम देवी अदिति। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। देवी अदिति, अभी अभी मैंने जो आकाश से दृश्य देखा उसे देखकर मैं स्तब्ध रह गया। आपने क्या दृश्य देखा देवर्षि? क्या आप मेरे महत्कट को देखकर आ रहे हैं? नारायण नारायण। देवी अदिति, विरजा राक्षसनी और बालक महोत्कट के मध्य युद्ध का वर्णन करना बस यूं समझिएगा कि असंभव है, असंभव। देवर्षि, हमारे महोत्कट सकुशल तो हैं। नारायण नारायण। ऋषिवर, आप परम ज्ञानी धनी होने के साथ साथ महोत्कट श्री गणेश के पिता भी हैं, आपको उनकी सकुशलता पर तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। तो क्या महोत्कट ने उस दुष्ट राक्षसनी को दंडित किया? हाँ देवी अदिति, महोत्कट श्री गणेश के एक ही अंकुश प्रहार से वो दुष्टा प्राणहीन होकर गिर पड़ी।
मैंने स्वयं अपनी आंखों से उसे आकाश से पृथ्वी लोक पर गिरते हुए देखा है। नारायण नारायण, धन्य है महोत्कट का पराक्रम, धन्य है। देवर्षि, आप विरजा का अंत देखकर लौट भी आए, परंतु मेरा गणेश अभी तक क्यों नहीं लौटा? नारायण नारायण, देवी अदिति, मुझे भी इस बात का आश्चर्य है कि महोत्कट श्री गणेश अभी तक लौटे क्यों नहीं। कहीं श्री गणेश मुझे भी इसी बात का भय है देवर्षि कि मेरा पुत्र गणेश अब यहाँ लौट कर नहीं आएगा। माता श्री, माता, क्या आपको अपने पुत्र की निष्ठा पर संदेह है? क्या आप दोनों की भक्ति में मुझसे कोई भूल हुई है? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो पुत्र? माता, यदि मुझे कहीं जाना होगा तो आप दोनों की आज्ञा लिए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना मेरे लाल? तुमने उस राक्षसनी के साथ इतना भयानक युद्ध किया, कहीं तुम्हें जिसके सिर पर माता पिता के आशीर्वाद का हाथ हो उसकी सफलता पर संदेह करना अनुचित है। अब हमसे और दौड़ा नहीं जाता, मैं तो कैलाश लौट जाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, खेल का त्याग करना खेल की नीति के विरुद्ध है। जब शरीर ही साथ नहीं दे रहा हो तो नीति का क्या करे? वे दोनों तो दिव्य शक्ति संपन्न हैं, हम उन्हें कैसे पकड़ सकते हैं? चलो चलो, इस ओर देखते हैं। चलो हाँ, चलो, 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 चलो। बड़े भैया कार्तिके, हमें पकड़ना तो दूर, वे हम तक पहुंच भी नहीं सकते। मयूरेश्वर, अपने प्रतिद्वंदी को निर्बल नहीं समझना चाहिए। अर्थात उन्हें छकाने का हमें और कोई प्रयास करना चाहिए? अवश्य, विजय प्राप्त करने के लिए अपने प्रतिद्वंदी को छकाना नीति सम्मत है। मयूरेश्वर, असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि सफलता का कार्य पूरे मन से नहीं किया गया है। प्रश्न सफलता और असफलता का नहीं है बड़े भैया। तो प्रश्न किसका है? प्रश्न तो अपने साथियों पर दया का है। दया का? हाँ बड़े भैया, हम दोनों दिव्य शक्ति संपन्न हैं। बेचारे शिवगणों के बालक तो साधारण हैं। क्या अपनी शक्तियों का प्रयोग उनके विरुद्ध अन्याय नहीं होगा? परंतु मयूरेश्वर, हम तो उनके साथ साधारण बालकों के समान ही खेल रहे हैं। महादेव शिव और महादेवी शिवा के पुत्र साधारण में भी असाधारण ही रहेंगे। अर्थात हमें उनको ना छका कर उनकी यही प्रतीक्षा करनी चाहिए। बड़े भैया, यदि हम प्रतीक्षा करने लगेंगे तो वे हमें पकड़ लेंगे और हमारी असफलता यही सिद्ध करेगी कि हमने सफलता का प्रयास ही नहीं किया। तुम उचित कह रहे हो मयूरेश्वर, हम दोनों उस पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। जब वे लोग हमारे समीप आएंगे तब हम उन्हें छकाने का और कोई उपाय सोच लेंगे। चलो, यदि ऐसी बात है तो हम बिना दूसरा तीसरा उपाय सोचें उन दोनों को पकड़कर ही रहेंगे। बड़े भैया कार्तिकेय को भले ही हम पकड़ ना पाए, परंतु श्री गणेश अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग न करे तो हम श्री गणेश को अवश्य ही पकड़ पाएंगे। श्री गणेश को क्यों? क्योंकि वे गजमुख हैं, इतना स्थूल काय उनका शरीर है, हमारे समान वो थोड़ी ही दौड़ पाएंगे। चलो। आश्चर्य तो मुझे इस बात का हो रहा है गणेश कि तुम गजमुख होकर भी मेरे साथ इन ऊंचे नीचे स्थानों पर कैसे चढ़ जाते हो। बड़े भैया कार्तिके, अब हम क्या करें?
क्या इनका पीछा करें? तुम बहुत चतुर हो गणेश, तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। चलो भैया, पहले हम इनका पीछा करके इन्हें पकड़ते हैं, फिर आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे। ठीक है, चलो। बड़े भैया कार्तिकेय और मयूरेश्वर हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए आगे जाना उचित नहीं है। क्यों? एक बार पिताजी ने मुझे बताया था कि इस वन में वृक्ष नरभक्षी होते हैं। वृक्ष भी कभी नरभक्षी होते हैं? पिताजी असत्य तो नहीं कहेंगे? यदि हम यहाँ खड़े रहे तो उन दोनों को पकड़ेंगे कैसे? वे हमें अपने पीछे पाकर यह समझेंगे कि हमने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया है। परंतु जब उन्हें अपनी मूर्खता का ज्ञान होगा तब तो वे अवश्य ही लज्जित होंगे। आप ठीक कह रहे हैं भैया। स्वामी, कहीं ये बालक श्री गणेश तो नहीं है? हाँ हाँ देवी, इस संसार में गणेश के अतिरिक्त गजमुख बालक और कौन हो सकता है? तो आइए ना स्वामी, हम इन्हें रोककर इनका आदर सत्कार करते हैं। नहीं देवी अहिल्या, इनकी बाल लीलाओं में बाधा डालना उचित नहीं होगा। परंतु स्वामी, हमें इनके दर्शनों से महान पुण्य प्राप्त होगा। देवी, इस समय हम स्नान का संकल्प लेकर आश्रम से निकले हैं। स्नान के पश्चात यदि हमें यहाँ मिले तो हम इन्हें अवश्य आमंत्रित करेंगे। स्वामी, ऐसा सौभाग्य हमें बार बार प्राप्त नहीं होगा। मैं जानता हूँ देवी, किंतु इस समय हम जिस उद्देश्य से निकले हैं उस उद्देश्य को पहले पूर्ण करते हैं, और वैसे भी इस समय तो ये यहाँ खेल रहे हैं, हमारे रोकने से इन्हें कष्ट होगा। आओ देवी, पहले स्नान करते हैं। चलिए। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज मैं अपनी जिज्ञासा में भटकते भटकते आर्यावर्त के दक्षिण क्षेत्र में आ पहुंचा, किंतु सदा वेद मंत्रों से गुंजित रहने वाला महर्षि अगस्त्य का आश्रम आज इतना शांत क्यों है? नारायण नारायण, ऐसा प्रतीत होता है कि महर्षि अगस्त्य चिंतामग्न है। नारद, अब तो तुम्हें महर्षि अगस्त्य के दर्शन करने ही होंगे। नारायण नारायण, नारायण नारायण। देवर्षि आप? महर्षि, श्री शैल पर्वत पर स्थित आपके आश्रम की कीर्ति संपूर्ण पृथ्वी लोक में विख्यात है, किंतु आज मैं ये क्या देख रहा हूं कि इस आश्रम में ना तो वेद मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही है और ना ही हवन यज्ञ आदि हो रहे हैं। देवर्षि, आप उचित समय पर पधारे हैं, इस समय मुझे आपके परामर्श की आवश्यकता है। मेरा परामर्श महर्षि? देवर्षि, आप तो जानते ही हैं, मेरे आराध्य देव भगवान भोलेनाथ ने अपने पुत्र कुमार कार्तिकेय को दक्षिण में शिव भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए मुझे सौंपा था, परंतु परंतु क्या महर्षि? अग्रपूज्य श्री गणेश स्वयं प्रकट होकर अपने बड़े भाई कुमार कार्तिकेय को कैलाश लौटा ले गए। उनके जाने के पश्चात यह आश्रम ही नहीं, यहां का सारा वातावरण उदास है। नारायण नारायण, आप सत्य कह रहे हैं महर्षि। कुमार के यहां से जाने के पश्चात इस आश्रम की दयनीय स्थिति स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। देवर्षि, पिछले कुछ दिनों से मैं कैलाश जाने के लिए विचार कर रहा हूं, परंतु मैं कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा।
मेरा कैलाश जाना उचित भी होगा या नहीं? नारायण नारायण, ऋषिवर आप तो ज्ञान के सागर हैं, बुद्धि के स्वामी हैं। इस समय मेरी बुद्धि और ज्ञान भ्रमित हो चुके हैं देवर्षि, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। ऋषिवर यदि आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरे विचार से इस समय आपका कैलाश जाना अनुचित होगा। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? नारायण नारायण, ऋषिवर यदि इस समय आप कैलाश पहुंचे तो गुरु आज्ञा का सम्मान करने वाले कुमार कार्तिकेय आपके साथ आश्रम वापस चले आएंगे। तो मैं उन्हें लौटाने के लिए तो जा रहा हूं। महर्षि इस समय कैलाश का वातावरण मयूरेश्वर श्री गणेश और कुमार कार्तिकेय की बाल लीलाओं से आनंदित है। यदि कुमार आपके साथ वापस चले आए तो उन दोनों की बाल लीलाओं में बाधा उत्पन्न होगी जो कि अनुचित होगा। तो मैं क्या करूं देवर्षि? ऋषिवर इस समय आप वही करें जिसका परामर्श आप समस्त संसार को देते हैं। आप अपना सर्वस्व अपने आराध्य को समर्पित कर दें। समय आने पर वे स्वयं आपको संकेत देंगे। नारायण नारायण। बड़े भैया क्या बाप भी श्री गणेश के समान दिव्य शक्तियों का प्रयोग करने लगे हैं? हमने कब दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया? हम आपके पीछे दौड़ रहे थे और आप दोनों अदृश्य होकर हमारे पीछे आ गए। अदृश्य होकर नहीं, हम तो खेल खेल में ही तुम्हारे पीछे आ गए। खेल खेल में कोई कैसे पीछे आ सकता है? यदि आप वहाँ होते तो हमें दिखाई न पड़ते। जब तुम देखना ही नहीं चाहोगे तो हम दिखाई कैसे पड़ेंगे? अर्थात हम तुम्हारे मार्ग में एक मिट्टी के टीले के पीछे छुपे खड़े थे, तुम हमें बिना देखे ही आगे निकल गए, हमने पीछे से आकर तुम्हें पकड़ लिया। परंतु ये तो खेल के नियमों के विरुद्ध है। क्यों? पकड़ने वाले यदि पकड़े जाए तो ये खेल नियमों का विरोध नहीं होगा। भैया अब आप ही बताएं कि इनको पकड़ने से क्या नियमों का विरोध हुआ? मयूरेश्वर हाँ भैया, शक्ति का स्मरण करो, वे अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। जय माता पार्वती, जय माता शक्ति, जय माता की। Oh!
मैंने कहा था ना तुम्हें, इस वन में वृक्ष नरभक्षी हैं। मयूरेश्वर, अब हमें लौट जाना चाहिए, यहाँ रुकना उचित नहीं होगा। नहीं बड़े भैया, दुष्टता करने वाले को दंडित करना मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकता। भैया कार्तिकेय और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। भैया कार्तिकेय और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। बड़े भैया कार्तिकेय और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। बड़े भैया कार्तिकेय और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। मयूरेश्वर, अब हमें लौट जाना चाहिए, माता हमारी चिंता कर रही होंगी। ना भैया ना, मैं अभी नहीं लौट सकता। क्यों? इस दुष्ट वृक्ष राक्षस से युद्ध करके मैं बहुत थक गया हूँ और भूख से तड़प रहा हूँ। क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही बाल सखा? हाँ हाँ मयूरेश्वर, हमें भी बहुत भूख लगी है। पर इस वन में भोजन का प्रबंध कहाँ से होगा? मन में आशा हो तो भगवान भी मिल जाते हैं, फिर भोजन का क्या है? आसपास कहीं ना कहीं भोजन का प्रबंध हो ही जाएगा। देखो, उस आश्रम में हमारे भोजन का प्रबंध अवश्य हो जाएगा। नहीं नहीं मयूरेश्वर, ऐसे ही किसी के आश्रम में प्रवेश करना उचित नहीं होगा। आश्रम और ऋषि का कर्तव्य तो संसार का कल्याण करना ही है। इस समय इस आश्रम के ऋषिवर हमारी भूख का कल्याण अवश्य करेंगे। कैलाश पहुंचकर भी तो भोजन किया जा सकता है, वैसे ही हमें विलम्ब हो चुका है। विलम्ब की चिंता छोड़ो बड़े भैया, पहले पेट पूजा करो। भूखे रहना अब मेरे लिए संभव नहीं है। आओ तुम भी चलो। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूँ। आओ साथियों। ठहरो, ऐसे नहीं, पहले आश्रम के स्वामी को पुकारो, उनसे भोजन मांगो, उनकी आज्ञा पर ही आश्रम में प्रवेश करो। आश्रम के स्वामी ऋषिवर, हमें भोजन दे। अब हम क्या करें मयूरेश्वर? हमने आश्रम के स्वामी को पुकारा, हमारा कर्तव्य पूर्ण हुआ। अब आश्रम के भीतर चलो और भोजन ग्रहण करो।